नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार, माता पिता एवं सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, उम्दा होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ट्रिकी वीडियो है, हिंदी का कोर्स। मैंने आपके वादा के अनुसार हमने ये कहा था कि पूरा ट्रिकी आपको 10-10 मिनट में पढ़ा दूंगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा ट्रिकी, हर सब्जेक्ट ट्रिकी होगा, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी आपका जीएस का विषय टॉपिक रहा हो। तो फिर चलते हैं बिना किसी देरी के, एक पेन एक कॉपी उठा लीजिएगा। जिंदगी में समास नहीं भूलेंगे आप, मेरे यार, मेरे भाई, मेरे अनुज, मेरे अग्रज, हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी, एक पेन एक कॉपी उठा लीजिएगा। राष्ट्र हित में शिक्षा, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि बार बार एक टॉपिक को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है साहब, है ना। चलते हैं, हम समास को समझते हैं। समास में पूछा क्या जाता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। समास कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है, समास कितने प्रकार के होते हैं ये ध्यान दीजिएगा, 5, 6, 7, 8, ठीक है। कौन सा समास ये है, कौन सा समास नहीं है, एक एक लाइन की ट्रिक है और एक सेकेंड में आप आंसर देखेंगे, तुरंत लगा देंगे टिक, ठीक है ना। पूरा ज्ञान लेना है, अधूरा नहीं छोड़ना है वीडियो को, इसलिए अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। समास डालिएगा सबसे पहले आप हेडिंग। समास का तात्पर्य क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। इसके पहले संधि का वीडियो में डाल चुका हूँ, जिसमें एक सेकेंड से भी कम आंसर लगता होगा यड़ दीर्घ वृद्धि पहचानने में, ऐसा ही आज समास में होने वाला है। प्लेलिस्ट आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करते हैं, कह रहा है सर संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या है, अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए कम शब्दों में, जैसे रसोई घर। अब कह रहा है रसोई घर कह दिया गया, मतलब रसोई के लिए घर नहीं कहा गया, इतने बड़े शब्द को इतना ही कह दिया गया, हाथ के लिए कड़ी यानी हथकड़ी इतना ही कह दिया गया, यानी कहीं ना कहीं ये कह रहा है बड़े शब्दों को कम से कम शब्दों में परिवर्तित किया जाए, समास कहलाता है, संक्षिप्तीकरण कहलाता है मेरे भाई, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब बात आती है समास के भेद, ये तो हो गया थोड़ी सी नॉलेज आपके दिमाग में डालने के लिए। अब बात आती है समास के भेद, इसको हम ट्रिक से कैसे याद करें, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक लाइन की ट्रिक है, समझ लीजिएगा। समास के भेद दोस्तों, अव्यय भाव समास, इनको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर अपवाद भी होते हैं बहुत सारे समासों में, उनको कैसे क्लियर करें, यही तो मैटर है साहब, मैं बताऊंगा ना आपको, टेंशन लेने की बात नहीं, आप हमारा परिवार है। सर अगर हम आपसे कहें अव्यय भाव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, अब देखिएगा याद कैसे करेंगे तो आप समझो इस चीज को। इतने 6 समास हो गए, 6 समास किसी भी तरीके से आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर नहीं लिखना चाहते हो तो समास की ट्रिक इस तरीके से आप लिख लो। कैसे लिख लो भैया जी, यहाँ पर इस तरीके से आप लिख लो। समास ट्रिक क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शंस है 5, 4, 6, 7, तो आंसर क्या लगेगा सर, 6 लगेगा। ट्रिक का नाम क्या है, द्वंदी अब तक। द्वंदी का मतलब है दा से आपका द्वंद्व समास, दी से आपका द्विग समास, आ से आपका अव्यय समास, बा से आपका बहुव्रीहि समास, ता से आपका तत्पुरुष समास, का से आपका कर्मधारय समास, हो गया क्लियर। एक ट्रिक थी, एक लाइन की ट्रिक क्या थी, द्वंदी अब तक। समास कितने प्रकार के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने अक्षर उतने प्रकार के समास हो गए, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। द्वंद यानी हमने फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, द्वंद से, दा से, द्वि से, आ से, बा से, ता से और का से, क्लियर हो गया, ये यहां पर भी लिखा है, क्लियर हुआ। चलूँ आगे साहब, बिल्कुल चलूंगा, बिल्कुल कोई भी यहां पर बिना ब्रेक की बात हो रही है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अव्यय भाव, एक सेकेंड से भी कम हर समास को कैसे पहचाने मेरे भाई। सर जी यहां पर पहचानने के लिए आपको ज्यादा युद्ध नहीं करना है, केवल करना है जो आपका नॉलेज है ना, पूर्व नॉलेज का मतलब होता है कि आपने जो पहले पढ़ के रखा है। जैसे हम कहते हैं प्रथम पद प्रधान होता है, अगर क्वेश्चन एक और बनेगा जो मैं बोलूँ उसको लिखते जाइएगा स्टार में, ऐसा कौन सा समास है, लिखिएगा ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो आंसर में नीचे लिख लेना अव्यय भाव समास।
ये तो हो गया, ये कोई ट्रिक नहीं थी। क्वेश्चन आता है भैया सिंपल सी बात लैंग्वेज में, ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद का मतलब है यथा संभव, लिखा है यथा संभव लिखा है। पहला पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान की बात करी, पहला पद छोटा भी होता है, ये ट्रिक भी आपकी है। अब ट्रिक क्या है, यथाशक्ति आजन्म, ये अगर आ जाते हैं तो हम क्वेश्चन कैसे लगाएं कि बहुव्रीहि है, अव्ययीभाव है, कर्मधारय है। यहां पर लिखा है तो आपको पता है कि अव्ययीभाव है, लेकिन सुनो, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो, हजारों शब्द लाखों शब्द आपके सामने आ जाएं, कितने भी शब्द आ जाएं, पहले चेक कर लो कि क्या ये शब्द उपसर्ग देता है। जैसे जैसे मैं आपसे कह दूं प्रतिकूल, जैसे मैं आपसे कह दूं यथासंभव, जैसे मैं आपसे कह दूं ये आगे का वर्ड क्या होता है, शब्द के आगे लगने वाला उपसर्ग कहलाता है, शब्द के आगे लगने वाला उपसर्ग कहलाता, सबसे पीछे लगने वाला सफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसको प्रत्यय कहते हैं, आगे को प्रीफिक्स कहते हैं। अब देखो, छोटा पद स्टार्टिंग में यथा, आ, आजन्म, प्रतिकूल, प्रतिभाव, प्रतिदिन, छोटे पद जितने भी हों, जितने भी आपके उपसर्ग हों, जितने भी उपसर्ग हों, प्रतिदिन जितने भी उपसर्ग हों, आ मरण, आ क्या निकल रहा है, उपसर्ग निकल रहा है, सभी शब्द अव्ययी हो जाएंगे, समास सभी अव्ययी हो जाएंगे। अब बात आती है बड़े ही आजकल में जो ट्रेंड चल रहा है कि क्वेश्चंस पूछता है रातों रात, बच्चे लगा के चले आते हैं, जैसे ही उन्होंने डैश देखा वैसे ही द्वंद्व लगा कर चले आते हैं। गलत बात, द्वंद्व नहीं लगाना है मेरे भाई, क्वेश्चंस की प्रकृति को समझना है। हर बहन हर भाई अच्छी तरीके से देखेंगे, जब भी शब्द की पुनरावृत्ति हो, देखिए मैं लिख दूं दिन रात तो आप कह सकते हो द्वंद्व, दिन और रात, क्यों भाई मेरे, जब डैश लगता है तो हर डैश वाला समास द्वंद्व नहीं होता है, लेकिन आपने अपने दिमाग में तो यही रखा होगा कि हर डैश वाला समास द्वंद्व होता है। जी नहीं, जब तक विपरीत शब्द ना हो तब तक आप बात करेंगे, विपरीत शब्द होंगे द्वंद्व की बात करेंगे, अगर सेम शब्द होंगे धड़ाधड़, धड़ाधड़ को ऐसे भी लिख सकते हैं धड़ा और धड़, जैसे हम लोगों की वीडियो चलती है धड़ाधड़ 50 प्रश्न, दनादन 50 प्रश्न, धुआं धुआं 50 प्रश्न, है ना, इस तरीके के हम लोग वीडियो पढ़ते हैं। रातों रात की बात करते हैं, घर घर की बात करते हैं, घर घर की कहानी, तो इसमें क्या होगा सर, इसमें होगा आपका, हमने आपको क्या बताया, अव्ययी भाव होगा। धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे का मतलब है कि रातों रात ये शब्द एक ही है, घर और घर पुनरावृत्ति, धड़ाधड़ एक ही शब्द, भागम भाग एक ही शब्द, डैश लगा कर ये मत कर देना द्वंद्व समास हो जाए, समझ रहे, जब एक ही शब्द आपको रिपीटिशन में मिले आप अव्ययी भाव लगाएंगे, द्वंद्व नहीं लगाएंगे। अब बात आती है द्वंद्व में फर्क क्या है, द्वंद्व को कुछ नहीं समझने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए इस चीज को, अपवाद आप समझ गए कि अपवाद हैं आपके, अपवाद का मतलब है आपके दिमाग के अपवाद हैं, हिंदी के अपवाद नहीं है, आपको क्लियर नहीं था पहले कॉन्सेप्ट, अब क्लियर हो गया कि जब शब्द रिपीट हो तो वो होगा अव्ययी, जब शब्द उल्टे हो या विलोम हो या कैसे ही हो, आदमी औरत उल्टे शब्द हो तो हम कहेंगे द्वंद्व, क्लियर, डैश वाला हर डैश का द्वंद्व नहीं होता। पहली बात क्लियर हुई, पहली बात क्लियर हुई, दूसरी बात क्या क्लियर हुई, उपसर्ग देखो एक सेकंड में आंसर लगाओ, द्वंद्व समास देखो, इस समास में दोनों पद प्रधान, क्वेश्चन लिखो नीचे फटाफट, पहले वाले में मैंने पढ़ाया आपको कि किस समास का पद प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव हो जाएगा, ऐसा कौन सा समास है जिसका पद प्रथम पद प्रधान हो, अव्ययी। दूसरे में इसमें लिखो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो उसका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। कैसे, इस समास का विग्रह करने पर और आएगा, और आएगा, और बीच में क्या आएगा, डैश भी आएगा, ये भी पहचान होती है, लेकिन अव्ययी भाव की पुनरावृत्ति को याद रखना। राधा कृष्ण विलोम शब्द मिलेंगे, नर नारी विलोम शब्द की बात कर, गुण दोष विलोम की बात कर रहा है सर, माता पिता पशु पक्षी, एक चीज दिमाग में आई, तीन ट्रिक मिली है और तीनों ट्रिक में एक ट्रिक तो लगी जानी है, एक तो डैश वाली, अगर डैश ना मिले चलो ठीक है नहीं मिल रहा तो और वाली तो मिल जाएगी ना, अगर वो भी ना मिले तो यार डैश तो पक्का मिलेगा, नहीं तो उसमें आप देख लेना कि रात दिन, रात भी और दिन भी विलोम शब्द है और डैश भी लगा है और बीच में और भी निकल रहा है,
तो बताओ एक सेकेंड में तो आंसर उड़ जाएगा। दोनों पद प्रधान किसके हैं? द्वंद्व समास। पहला पद प्रधान किसका है? अव्ययी समास। पुनरावृत्ति हो, अव्ययी समास और निकले तो भैया द्वंद्व समास, ठीक है, डैश वाला द्वंद्व समास, लेकिन अव्ययी को याद रखना। फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द्विगु समास। आगे आने वाले 5 मिनट लूँगा, दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा कि बहुबरी और कर्मधारय में बच्चे बड़ा परेशान होते ना, मुझे यही पता है, लेकिन आज नहीं होगे मेरे भाई। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। कहता है ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान, बोले अव्ययी भाव। ऐसा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान, बोले दूसरा नहीं दोनों पद प्रधान, बोले द्वंद्व समास। ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची संख्यावाचक हो, द्विगु समास हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद जो है पहला पद संख्यावाचक हो, नीचे आंसर में लिख लेना, द्विगु समास। अब बात आती है नवग्रह, मतलब पहला पद नवग्रह में 9 निकल रहा, दोपहर में 2 निकल रहा, त्रिवेणी में 3 निकल रहा, जितने भी संख्या की बात करे वो आपके हो जाएंगे द्विगु समास, कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। जैसे 45 लिख देता हूँ तो 45 में 40 और 5 की बात करता है, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, द्वंद्व भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितने भी इस तरीके के वर्ड आते हैं, जैसे नवग्रह है, दोपहर पहला पद प्रधान की बात, 9, 2, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 3 तीन रंगों की बात करें तिरंगा कहलाता है। संख्यावाचक हो गया द्विगु समास, चलता हूँ आगे कर्मधारय में, बच्चे परेशान रहते हैं। सुनिए साहब, कर्मधारय समास, पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, दोनों पद प्रधान द्विगु समास, द्वंद्व समास, संख्यावाची प्रधान द्विगु समास, और विशेषण प्रधान कर्मधारय। अब विशेषण का मतलब समझ गए तो बिल्कुल बिंदास एग्जाम में कर्मधारय का कोई क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कर्म को धारण करने वाला विशेषण बराबर, ये ट्रिक है आपकी, क्या है साहब ट्रिक है, कैसे, मतलब अगर आपकी विशेषता बताए, कोई भी शब्द दिया हो, अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय है, चार ऑप्शन होंगे, या आपसे कहेगा कि ये वाला समास, जैसे महात्मा है, ये समास कौन सा है, तो आपको परेशान करेगा भाई ये वर्ड, लेकिन अगर आपने पढ़ के गए होंगे तो पक्का आप लगा दोगे एक नैनो सेकेंड में। कैसे, सुनो कि कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है, उस शब्द को जो आपसे समास पूछे उसी शब्द में विशेषता छुपी होती है। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम कैसा है, राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है सर, विशेषण है। अब जैसे इसमें की बात करें चरण कमल, चरण कमल, चरण का मतलब होता है पैर, और कमल का मतलब होता है कमल जैसे हैं, कमल जैसे हैं, तो विशेषण की बात करी है, यानी जिसकी विशेषता बताए, चरणों की तुलना कर दी कमल से, यानी चरण की का विशेषण की बात करें तो कमल की बात करें। चंद्र मुख सा है, हमसे क्या कह रहा है, मुख जो है ना वो कैसा है सर, चंद्र की बात कर रहा है, समझ रहे हो, चांद से तुलना। और महात्मा की बात करें, महान आत्मा है जो, महात्मा है जो, वर्ड कर्मधारय, चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण, इस तरीके से हम लोग वर्ड यूज करते हैं विशेषता। अब जैसे लाल मड़ी, मड़ी कैसा है सर, लाल है, विशेषता है। कमल कैसा है सर, नील कमल। अब इसमें अपवाद भी है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, भैया नील कमल है, नीलकंठ नहीं है, नील कमल कमल कर्मधारय में ही जाएगा। राजा कैसा है सर, महान है, समझ रहे हो ना, तो याद रखना है। मुख कैसा है, चंद्र मुख है। आत्मा कैसी सर, महान आत्मा है। मड़ी कैसा है सर, लाल है, नीला है। विशेषता कैसी सर, गाय काली है, विशेषता क्या है, काली है गाय, ठीक है। नील कमल की बात करें, कमल नीला है, राजा महान है, महान राजा, ठीक है। बात करते हैं बहुब्री समास की। बहुब्री समास में क्वेश्चन आता है, पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा समास, बहुत बार पूछा गया ये वाला, ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बड़ा परेशान हो जाता बच्चा, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, तीनों जो है कोई पद प्रधान नहीं, बहुब्री समास, संख्यावाची पद प्रधान द्विगु समास। तो मेरे भाई बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। दो ब्रैकेट बनाएंगे और उसको ऐसे लिख देना है, बीच में काट देना है,
न तो पहला न तो दूसरा। और द्वंद में आपको दो ब्रैकेट बनाने हैं, उसमें सही के निशान लगा देने हैं। पहला और दूसरा पद यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं वहां तीसरा पद प्रधान होता है। एक नैनो सेकेंड में आंसर आप लगाएंगे। मैं आपको कुछ अपवाद भी बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करें, समझो मेरे भाई। देखिएगा, इस चीज का अगर आपको आंसर करना है तो यार समझो इस चीज को कि भैया जी हमसे कह रहा है इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं वह तीसरा पद प्रधान होता है। लंबोदर की बात करें, लंबा है उदर जिसका, कोई भी पद प्रधान ना हो लेकिन तीसरा शब्द निकाल दें। आप सभी याद रखना, तीसरा शब्द निकाल दें मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान जी। दशानन, दस सिर है, आनन मतलब सिर है जिसके, लंबा है उदर जिसका गणेश भगवान, तीसरा नाम निकल आया। एक नया नाम निकल आया बहुब्री, दस सिर हैं जिसके, मुख हैं जिसके, क्या हो जाएगा, रावण। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु, एक नया शब्द निकले। पीतांबर, पीला है अंबर, पी ओढ़े हुए हैं, या हम कह सकते हैं यहां पर अपवाद है, सुनिएगा। नीलकंठ और पीतांबर में अपवाद है कि बहुब्री लगाऊं या कर्मधारय लगाऊं, बच्चे परेशान रहते हैं, सुनो इस चीज को। हमेशा जब भी आए, ये भी आपका जाएगा किसके साथ, विष्णु के साथ जाएगा। और नीलकंठ आप जानते हो, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। हमेशा अगर आपको ऑप्शन में बहुब्री दिखे तुरंत बहुब्री मारना, दो ही शब्द के लिए है, बाकी तो आप जानते ही हो, बहुब्री मारना दोनों शब्द के लिए। लेकिन पहला पॉइंट आप समझ गए, अगर बहुब्री दिखे तो बहुब्री मारेंगे, ठीक है, ये दो शब्दों के लिए है, बहुब्री मारेंगे। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, अगर कर्मधारय मिले और बहुब्री ना ऑप्शन में हो तो कर्मधारय मारेंगे, दो समझ गए। अगर बहुब्री और कर्मधारय दोनों मिल जाए तो किसको मारें, अब बड़ा दिक्कत है, तो भी आपको बहुब्री मारना है, बहुब्री को सबसे आगे रखना है। क्यों? क्योंकि एक तीसरा वर्ड दिख रहा है, दे रहा है, तीसरा पद प्रधान की बात करे तो वहां पर हो जाएगा बहुब्री। लास्ट का दो लाइन में समझाता हूं तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। मतलब कारक चिन्ह का मतलब होता है कारक की संख्या होती है आठ, आठ कारकों की संख्या होती है हिंदी में। कारक चिन्ह का मतलब होता है कर्ता, ने, कर्म, को, ने, और ये को, अपादान, अपादान में क्या आता है, से, अलग करने की बात आती, इस तरीके से हम चले जाते हैं संबोधन तक। लेकिन याद रखना है यहां पर क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन नोट करिएगा, किस समास में दूसरा पद प्रधान, ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान द्वंद समास, ऐसा कौन सा समास है जिसमें संख्यावाची पद प्रधान द्विगु समास, ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं बहुब्री समास, ऐसा कौन सा समास है जिसका विशेषण पद प्रधान कर्मधारय, ऐसा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास। छह क्वेश्चन बने हैं, छह याद रखिएगा। इसमें से कारक चिन्हों का क्वेश्चन में आया कि कारक चिन्हों का लोप होने वाला समास तत्पुरुष समास। लास्ट का दो वर्ड यूज करेंगे, केवल इतना ही है मेरे पास, केवल इतना, और वीडियो को खत्म करते हैं। कर्ता और संबोधन कारक छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। मतलब आठ कारकों में दो कारक छोड़ दिए जाते हैं, कर्ता और संबोधन। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि तत्पुरुष समास में कौन से कारक नहीं लिए जाते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर लेना लिख के। ट्रिक क्या है, दूसरा पद छोटा होता है यानी दूसरा पद प्रधान, पहला पद छोटा होता है तो वो अव्ययी, दूसरा पद छोटा होता है वो होता है तत्पुरुष। राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, छोटे की बात कर लो। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, करुणापूर्ण, करुणा में पूर्ण, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। कर्ता ने, कर्म को, कर्ता की बात ही नहीं आती है सर, कर्ता लेना ही नहीं, कर्म को, है ना, इस तरीके के वर्ड सारे आपको तत्पुरुष समास, तो सबसे सिंपल होता है, अपने डेली लाइफ में आप यूज करते हो।
तो द्वंद्व अब तक समास में छह प्रकार के भेद थे, मैंने आपको बताया। एक प्रैक्टिस सेट भी ले आऊँगा, सारे सवाल को 50-50 सेट में करा दूंगा, पूरा सिलेबस। देखो पूरे वीडियो में मैंने आपसे ये नहीं कहा कि सर लाइक कर दीजिएगा, हर बहन हर गृहिणी से यही कहूँगा कि प्यार के लिए आपने बहुत प्यार दिया है। नए बच्चे अपना शहर मुझे ज़रूर बताएं किस शहर से हैं आप, किस राज्य से हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब से क्या होता ना, हम 10 से 15 मिनट की वीडियोस में आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट करना चाहते हैं कि आगे आप निकल जाओ औरों से, हम आपको भीड़ से अलग करना चाहते हैं, समझिए इस चीज़ को, आप हमारा परिवार हैं। इसलिए सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर, क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपको लिखते हैं राष्ट्रहित में शिक्षा, ठीक है, याद रखेंगे साहब, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक, कभी भी किसी से तुलना नहीं करेंगे। लव यू ऑल, बहुत बढ़िया, सभी ऐसे ही मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए दोस्तों, परिवार के साथ समय बिताइएगा, स्वस्थ रहिएगा और खुशहाल रहिएगा। आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, बोले तो इंकलाब, जिंदाबाद, जय महाकाल।